जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट की है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, लास्ट लेक्चर में हमने आपको रूबरू करवाया था अपने सिलेबस से मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या क्या पढ़ना है। आज हम लेक्चर टू में पढ़ेंगे आगे का, जिसमें हम GDP पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इश्यूज पढ़ेंगे, और ये लेक्चर टू है हमारा। और आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, इसमें हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप ध्यान से पढ़िए और पेन कॉपी लेकर उसको नोट्स अच्छे से नोट्स बनाइए और उसको रोज रोज रिवाइज करते जाइए। और आप ध्यान से सुनोगे तो आपकी ये बातें ध्यान में बैठ जाएंगी और इसको आप एक बार आपको बस खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये ग्रीक वर्ड है जो मैक्रोस से आया। जो मैक्रोस का क्या मतलब होता है, मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज, बड़ा। बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब बड़ी इकोनॉमिक की हम बात करते हैं इसमें, पूरी हम होल इकोनॉमिक की बात करते हैं हम इसमें। और इसमें हम ये जो था जेएम कीन्स थे, जो फादर ऑफ हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लिखी थी इंटरेस्ट एंड मनी 1963 में। उसके बाद उनका मार्केट में बहुत ही ज्यादा नाम हो गया और मैक्रो इकोनॉमिक्स का तभी लोगों को इतनी ज्यादा जागरूकता हुई मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। उससे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का किसी को भी नहीं पता था। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये आया कहाँ से है, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मैक्रो आया कहाँ से है। तो जो मैक्रो को इन 1963 में US में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी, वहां से जेएम कीन्स ने अपनी स्टडीज की और उसमें बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें क्या क्या फायदा हो सकता है। तो पहले हम पढ़ेंगे बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स, जो कि हमारे सिलेबस में बहुत ही ज्यादा हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी आगे। तो जैसे कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड डोमेस्टिक इनकम। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, जो एग्रीगेट का मतलब क्या होता है। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। तो टोटल एग्रीगेट डिमांड हो गया टोटल एक्सपेंडिचर ऑन परचेजेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब कि कोई भी हम एक साल में कितने भी एक्सपेंडिचर जो हम परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। ऐसे ही हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करें कि एक इंडिया में जैसे कितना एक ईयर में कितनी प्रोडक्शन हुई गुड्स एंड सर्विसेज की, उनको हम बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई। डोमेस्टिक इनकम हुआ कि एक टेरिटरी में कितनी इनकम जनरेट हुई, तो हम बोलेंगे उसको एक ईयर में कितनी इनकम जनरेट हुई, हम उसको बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। तो अब हम आगे बात करते हैं कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स वो होते हैं जो हम बाउंड्री लाइन के अंदर प्रोडक्शन करते हैं और उनको फाइनल यूजर्स जो होते हैं हमारे, उनको यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। और वो फाइनल यूजर्स कौन से होते हैं, जैसे कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स, और हम उसको बोलते हैं फाइनल, जैसे हम बोलते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं। फाइनल कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो गुड्स होते हैं जिनको हम बना के बेच देते हैं या किसी को दे देते हैं, उनको हम बोलते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि हमने मोमोज हैं, जैसे आप सब लोग मोमोज को जानते हो, उसमें पहले हम मैदा को करते हैं, फिर हम उसके अंदर स्टफिंग डालते हैं, फिर हम उसको बॉयल करते हैं, फिर हम स्टीम करते हैं, फिर हम दे देते हैं लोगों को। तो वो क्या मतलब, जो हमारे पास जो चीज आती है वो हमारा होता है फाइनल गुड। जब हम मोमोज खाते हैं वो हमारे पास फाइनल गुड आ गया ना, तो हम उसको क्यों खाते हैं, अपनी सेटिस्फेक्शन को अपनी पूरी करने के लिए, हमें भूख लगी हम उसको पूरा कर देते हैं खाके, तो उनको हम बोलते हैं फाइनल गुड्स, फाइनल कंज्यूमर गुड्स। एक होते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो गुड्स होते हैं जिनसे हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, और वो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स मतलब हो गया हम जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे एसेट्स वो होते हैं एसेट्स। जब हम कोई चीज लेते हैं उनको बोलते हैं एसेट्स, जैसे कि ट्रैक्टर्स हो गया, मशीन्स हो गई, उनसे हम कुछ प्रोड्यूस करेंगे ना, कुछ प्रोडक्शन करेंगे हम उनसे। ट्रैक्टर फार्मर्स यूज करते हैं, मशीन्स फैक्ट्री में यूज होती हैं, वो फिक्स्ड एसेट्स हैं हमारे, तो उनको हम बोलते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें हम पूरी डिमांड की बात करते हैं, टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं हम इनमें, और इनमें हम सेक्टर्स की भी बात करते हैं, जो हम आगे अपने लेक्चर्स में आपको बताएंगे। और हम हमारे इकोनॉमिक इश्यूज कौन से होते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज ये होते हैं हमारे GDP, नेशनल इनकम, बिजनेस साइकिल, इन्फ्लेशन क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, जो हम आगे आपको बताएंगे। तो हम बात करते हैं कि GDP क्या होता है।
डेफिनेशन तो जीडीपी की बहुत आसान है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी का अर्थ सबको पता है कि एक मार्केट, एक कंट्री में कितना मतलब प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का एक साल में, उनको हम बोलते हैं जीडीपी। बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, जो जीडीपी होता है उसमें मतलब ये हम देखते हैं कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का एक साल में एक कंट्री के अंदर। जैसे कि हम मान ले चाइना की कंपनी है या अमेरिका की कंपनी है, वो इंडिया में आके कार बना रही है, तो वो चाइना या यूएस की जीडीपी में काउंट नहीं होगा, वो हमारे इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश में आके अपना प्लांट लगा के यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो हमारी बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हमारी जीडीपी 5 ट्रिलियन हम करेंगे, तो उसका अर्थ यही है कि हम जो प्रोडक्शन है वो हम बढ़ाएंगे। क्यों हम बोलते हैं प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए? अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी हमारी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो हमारी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो हमारा रहने का वो बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा हमारा, जिसको हम रहना कहते हैं। तो अगर हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो हमारे पास इनकम होगी, तभी हमारे पास लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। अगर पैसा ही नहीं होगा तो हम कैसे अच्छा रहेंगे, अच्छा खाएंगे? तो हमारे लिए जीडीपी का हर कंट्री के लिए बहुत ही एक अहम रोल निभाता है हमारा जीडीपी। तो एक सारी कंट्रीज में जीडीपी का बहुत ही एक रोल माना जाता है, सारी कंट्रीज को होता है कि हमारा जीडीपी बढ़ना चाहिए हर साल। जैसे कि हम बात करते हैं कि 2.5% से हमारा जीडीपी बढ़ा है, तो उसका क्या मतलब होता है? कि मतलब कि जो पिछले साल जैसे हमारा जीडीपी 2% था, तो इस साल हमारा 2.5% बढ़ा है, मतलब कि पिछले साल से इस साल हमारा जीडीपी बढ़ा है। पिछले साल की कंपैरिजन हम करते हैं इसमें, जैसे हमने कई आर्टिकल्स देखे होंगे 5% जीडीपी बढ़ा, 3% जीडीपी बढ़ा, उसका यही मतलब होता है कि पिछले साल, जैसे पिछले साल हमारा 2% जीडीपी था, इस साल 3% हो गया, तो मतलब पिछले साल से हमारा जीडीपी इस साल बढ़ा है। तो हम कंपैरिजन करते हैं अपने लास्ट ईयर से। तो अब हम पढ़ते हैं बिजनेस साइकिल क्या होता है, ये भी हमारा इकोनॉमिक इशू में आता है। बिजनेस साइकिल होता है कुछ भी फ्लक्चुएशन आती है जब आउटपुट में एंड एम्प्लॉयमेंट में कुछ भी फ्लक्चुएशन आती है, जो हम उसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल हम बोल देते हैं। बिजनेस साइकिल में 4 फेजेस होते हैं, जैसे ट्रफ, रिकवरी, पीक एंड रिसेशन। ट्रफ को हम डिप्रेशन भी बोलते हैं और पीक को हम बूम भी कहते हैं। डिप्रेशन मतलब हो गया जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा गिरते जा रही है, उसको हम कहते हैं डिप्रेशन। तो जैसे कि हम बात करते हैं, पूरा हम इसको समझते हैं कि ट्रफ होता क्या है। जब हमारी एक देश में हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, मतलब कि रोजगार लोगों के पास है ही नहीं, लोग फ्री बैठे हैं, काम करने का कोई धंधा नहीं है लोगों के पास, प्रॉफिट हमें कुछ नहीं हो रहा, तो उसको हम कहते हैं ट्रफ कि हमारा देश डिप्रेशन में चला गया। आपको याद होगा 2007 में या यूएस में जब वॉल स्ट्रीट गिरा था, तब कितना तेज डिप्रेशन हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और उसी दौरान मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी जन्म हुआ था। रिकवरी होता है कि जब हम आस्ता आस्ता हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, डिमांड आस्ता आस्ता बढ़ रही है, तो हम उसको कहते हैं रिकवरी। पीक क्या होता है? पीक होता है जब हमारी एम्प्लॉयमेंट बहुत हाई लेवल पे है, सब डिमांड हमारी बहुत हाई पे है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत मैक्सिमम लेवल पे है, उसको हम कहते हैं पीक, और पीक को हम कहते हैं बूम, इसका ऑल्टरनेटिव नाम है बूम। रिसेशन होता है जब इकोनॉमिक में आस्ता आस्ता डाउनटर्न है, मतलब जीडीपी हमारा आस्ता आस्ता गिर रहा है, डिमांड हमारा आस्ता आस्ता गिर रहा है, प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट हमारी आस्ता आस्ता गिर रही है, प्रॉफिट हमें आस्ता आस्ता गिर रहा है, तो उसको हम कहते हैं रिसेशन। और जब ये लॉन्ग लास्टिंग मतलब बहुत देर तक हो जाए, फिर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं डिप्रेशन में। तो जीडीपी दो किस्म के होते हैं, पोटेंशियल जीडीपी और एक्चुअल जीडीपी, रियल जीडीपी भी हम बोलते हैं। जो पोटेंशियल जीडीपी होता है उसका अर्थ होता है कंट्री में कितनी कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की, एक कंट्री कितनी कैपेसिटी रखती है प्रोडक्शन करने की। और एक्चुअल जीडीपी होता है कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। और रिसेशन में हमने जैसे पिछली स्लाइड में बात की रिसेशन के 2 नेम्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं और डाउनटर्न भी बोलते हैं।
इसी के साथ मैं कमल कंधारी आपके साथ अलविदा लेता हुआ, सीखना बन तो जीतना बन, सब्सक्राइब माय चैनल कैमएक्स इकोनॉमिक्स, सब्सक्राइब करिए अब हमारे चैनल को, अच्छे से पढ़िए और अब इकोनॉमिक्स में अच्छा सीखेंगे।